वापस करते हैं तो बता देना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. شكرا. ठीक है, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قرآن پاک پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو صحیح طور پر پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور اسی طرح اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان کے اوپر قرآن پاک کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں. تو یہ ہماری جو ویکلی کلاس ہے، اس میں اللہ کی توفیق سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ قرآن پاک کو جیسے اللہ کی طرف سے اترا ہے اس طرح پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے اور ہمارے اوقات اور لمحات کو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اسی طرح سے قرآن پاک کو صحیح پڑھ کر پھر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے.
कि मेरे अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मुझे क्या कहा है, मेरे नाम क्या उसका पैगाम आया है। और ये बड़ी ही ईमान अफरोज़ चीज़ है। बंदा जब इसमें कामयाब हो जाता है तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब उसको समझ आएगी कि मेरे रब ने ये कहा है, ये करो ये ना करो, फलां चीज़ के करने का कहा है, फलां काम के ना करने का कहा है, तो जब ये समझ आ रही होती है तो फिर जहाँ पर ईमान में इजाफा होता है, इत्मीनान कल्ब बढ़ता है, वहीं पर बंदे के लिए अमल करना आसान हो जाता है। और कामयाबी के लिए दो ही चीज़ें हैं, ईमान और अमल। अल्लाह सुबहानहू व ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो आज तजवीद के सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम चार हरूफ पर मुश्तमिल सेट पढ़ने जा रहे हैं। इससे कबल हमने जो हरूफ पढ़े और जो सेट आपने पढ़े और जाने, उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप उनके मुताबिक ही तिलावत कर रहे होंगे। कोशिश कीजिए कि उनके मुताबिक ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई होती हो, क्योंकि जो पढ़ना है उसके मुताबिक अमल की कोशिश ज़रूरी है। इससे पहले जो हरूफ हमने पढ़े मिलती जुलती आवाज़ों वाले, मैं हर क्लास में ही आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ क्लास की हद तक नहीं बल्कि जब अपने तौर पर भी कुरान पाक की तिलावत करें तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो आज जो सेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो चार हरूफ पर मुश्तमिल है, ज़ाल ज़ा वा और ज़ाद। इनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, ये चारों हरूफ इनकी आवाज़ आपस में मिलती है। अब इनमें से जो सबसे आसान अदा करना है ना हर्फ, वो है ज़ा। ज़ा को अदा करना बड़ा आसान है, हम लोग ज़ा ही पढ़ देते हैं, ज़ाल होती है तब भी ज़ा ही पढ़ रहे होते हैं, ज़ाद होती है तब भी ज़ा ही पढ़ देते हैं, ज़ा होती है तो भी ज़ा ही पढ़ देते हैं। जबकि हमें ये सबक याद हो चुका है, हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा, हर्फ बदल गया तो माना बदल गया। तो आइए जानिए ज़रा ज़ाल को हमने कैसे अदा करना है। आपके पास पेज मौजूद है, उन पर दर्ज है ये बात बारीक, और दूसरी चीज़ है इसमें नरम, और तीसरी चीज़ इसमें शामिल कर लें सीटी की आवाज़ नहीं आपने पैदा होने देनी, ये सीटी की आवाज़ आ रही है ज़ा, ज़ाल में ये आवाज़ नहीं आएगी। ज़ाल को आपने बारीक रखना है और नरम, सीटी की आवाज़ उसमें नहीं, सीटी की आवाज़ अगले एक हरफ में आएगी ज़ा में, ठीक है। बारीक करने से ये ज़ा और ज़ाद से अलग हो गया, नरम करने से ये ज़ा और ज़ाद से मुख्तलिफ हो गया, और सीटी की आवाज़ आ गई इसमें यानी माइनस हो गई, तो ये ज़ा से मुस्तस्ना हो गया। तो ज़ाल में ज़ाल बड़ी नरमी के साथ बारीक रखते हुए इसको हमने अदा करना है, और इसमें हमने सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होने देनी। ज़ा की आवाज़ उसमें देखिए दो चीज़ें हैं, बारीक और दूसरी चीज़ है सीटी की आवाज़। इसमें सीटी की आवाज़ आएगी ज़ा ज़ा। मैंने आपको बताया पहचानने के लिए आसान हल क्या है, इससे पहले आप हरकत वाला हर्फ लगा दें और बाद में जो है ना इस हर्फ को साकिन कर दें, हमजा ज़बर ज़ाल अज़। आप देखिए बड़ी नरमी के साथ अपनी ज़ुबान की आगे वाली नोक किनारा जो है ना ऊपर वाले दो दांतों के साथ लगा दें, अज़ ज़ाल अदा हो जाएगा। और ज़ा में देखिए अज़ हमजा ज़बर ज़ा अज़ अज़ या आ रही है ना सीटी की आवाज़, ये है ज़ा। ज़ा पर इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ा को हम बड़ी आसानी से अदा कर लेते हैं। उसके बाद है जनाब वा, इसको हमने मोटा करके अदा करना है, ठीक है, वा इसको हमने मोटा करके अदा करना है, लेकिन इसमें दूसरी चीज़ नरमी को मलहूज़ खातिर रखना है, नरम वा। जैसे ज़ाल है ना,
राल में क्या था? बारीक। और दुआ में क्या है? इसको मोटा कर लेना, ये फर्क हो गया दोनों का। बाकी नरमी दोनों में ही है, सीटी की आवाज इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये देखिए आपस में एक दूसरे से कैसे फर्क होता चला जा रहा है। वा को आपने मोटा कर लेना और नरम। देखिए हमजा जबर वा अव 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 अव, फर्क महसूस हो रहा है ना? वा मोटी हो रही है लेकिन है बारीक ही, और राल बारीक हो रही है और नरमी के साथ। उसके बाद अगला हर्फ है वाद। यह सबसे अहमियत का हामिल हर्फ है पूरी अरबी जुबान में। सबसे मुश्किल जो हर्फ अदा करना है ना, वो है वाद। इस जुबान का एक नाम है लुगतुल वाद, वाद वाली जुबान, ठीक है ना? तो ये वाद, इसके अंदर चंद चीजों को मलहूज़ खातिर रखना है। नंबर एक, मोटा करना है लेकिन बहुत ज्यादा मोटा करना है, खूब मुंह भर के आपने इसको अदा करना है। दूसरी चीज इसके अंदर होती है नरमी, रखना आपने इसको नरम ही है, ठीक है ना जी? और तीसरी चीज इसके अंदर है जमाओ, यानी खूब जमा के आपने इसको अदा करना है। ये तीन चीजें आपने इसमें मद्देनजर रखनी है, खूब मोटा करके अदा करना है, नरमी पैदा रखनी है, इसमें नरमी रखनी है, नरम रखना है इसको, ठीक है ना? और जमाओं के साथ। अब बेहतरीन तरीका यह है, आपकी ये जुबान है, जुबान की ये दाईं साइड और बाईं साइड, जिस वक्त हम हरूफ को अदा करते हैं ना, एक प्रैक्टिस ऑलरेडी हुई हुई होती है, तो हमारी जब ये जुबान ऊपर दोनों तरफ दाढ़ों को लगेगी ना, तो ये फिर वाद सही अदा हो जाएगी। सैयदना अली रजी अल्लाह के बारे में मरवी है कि वो सबसे परफेक्ट वाद अदा किया करते थे, सबसे बेहतरीन उनकी थी अदाएगी। तो अगर दोनों तरफ ना लगे तो एक तरफ लगा लें, दाएं तरफ लगा लें, बाएं तरफ लगा लें। अब इस वाद को आपने ना तो राल बनने देना है, ना जा बनने देना, ना वा। वाद हमजा जबर वाद औ औ, यानी आप अगर अपनी जुबान में प्रैक्टिस करके दोनों तरफ दालों को लगाना चाहे ना, तो इंशाल्लाह लगा सकते हैं। मनजद्दा वाजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। अब देखिए जी, राल बारीक होगी, नरम होगी, सीटी की आवाज इसमें नहीं है। जा में क्या चीज आ गई? बारीकी आ गई और सीटी की आवाज आ गई। और वा में इसको मोटा कर देना, बारीकी अब खत्म है, इसको मोटा करना है और नरम करके पढ़ना है, सख्ती नहीं इसमें। वाद में खूब इसको मोटा करना है और इसमें नरमी भी है और जमाओ है, सख्ती नहीं, जमाओ, ठहरा के आपने इसको पढ़ना है, जमा के पढ़ना है कि इसमें किसी किस्म की वाइब्रेशन वगैरह, कलकला वगैरह ना हो। तो ये मलहूज खातिर रखते हो हमने इनको अदा करना है। हमजा जबर राल अज, हमजा जबर जा अज, हमजा जबर वा औ, हमजा जबर वाद औ। अब खूब आपने मोटा करना है ना, औ औ। वा और वाद दोनों के फर्क को मलहूज खातिर रखिए। मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। राल की मिसाल है अल्लाह ताला के कलाम से, यज़कुरूना, ठीक है ना जी? यज़कुरूना राल आ गया इसमें, ठीक है। जा की मिसाल है अज़्मुन, अज़्मुन। वा की मिसाल है यज़लिमूना। और वाद की मिसाल ले लीजिएगा यज़रिबूना। ठीक है जी, ये मिसालें हैं। यज़कुरूना यज़, अब इसको यज़ यज़कुरूना नहीं पढ़ना। अगर आपने यज़कुरूना पढ़ दिया, हर्फ बदल गया तो माना बदल गया। यज़कुरूना अज़्मुन यज़लिमूना और वाद यज। एक और बात जहन में रखिए, वाद को आपने इतना भी नहीं जमाना कि ये दाल ही बन जाए। जैसे बाद लोग पढ़ दें यद यद रिबूना, यानी उन्होंने इतना उसके अंदर जमाओ और इतनी सख्ती कर दी कि क्या बन गई,
दाल, ये भी गलत है। और इतना लूज भी नहीं छोड़ना, इतना आपने नरम भी नहीं करना कि वो जाई बन जाए। यज़रिबु यज़रिबूना यज़रिबूना, पढ़ते हैं ना लोग वलज़्ज़ा, बाज पढ़ते वलज़्ज़ालीन, ये क्या बन गया जा। बाज पढ़ते वलद्दालीन, ये क्या बन गया दाल। माना दोनों की बार बदल गया। और क्या है वलव्वा। और देखिए जहन में जो चीज आप सेट कर लेते हैं ना, जब आप सुनते हैं ना, आपको उसी का ही एहसास होता है। मतलब मैंने जहन में फिट कर लिया है कि इमाम काबा तो पढ़ते हैं वलज़ालीन, मैं सुनूंगा तो मुझे ऐसा ही महसूस होगा क्योंकि मैं खुद जो ऐसे पढ़ता हूं। और जो लोग पढ़ते हैं ना वलद्दालीन, मैं मसलन अपने जहन में बिठा लेता हूं, मैं तो वलद्दालीन पढ़ता हूं, मैं जब इमाम साहब को सुनूंगा ना तो मुझे यूं लगेगा वो वलद्दालीन पढ़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो अहले जुबान है, वो पूरी तरह बेहतरीन करके अदा करते हैं, उनको पता है वाद को कैसे अदा करना है। हमारे जैसे आम लोग जानते हैं अगर दाल बन गई वाद की जगह पे तो माना तो बदल गया। वलद्दालीन इसका क्या मतलब है, या अल्लाह गुमराहों का रास्ता ना मुझे दिखाना। और वलद्दालीन अगर पढ़ दे तो बिल्कुल माना बदल गया, या अल्लाह रहनुमाई करने वालों का मुझे रास्ता ना दिखाना। और वलद्दालीन अगर पढ़ दे जा के साथ तो माना होगा, या अल्लाह फिसलने वालों का रास्ता मुझे ना दिखाना। तो आप देखिए ना कितना फर्क आ जाता है और माना किस कदर बदल जाता है। लिहाजा हमने इंशाअल्लाह ताला इस चीज को मद्देनजर रखना है कि दाल जा वा और वाद का फर्क पढ़ाई के दौरान मलहूज खातिर रहे। एक एक कायदा देखे हम पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सारी बातें पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सबकी खिदमत में कि जो पढ़ लें उसके ऊपर कोशिश करें उसके मुताबिक कुरान पाक को पढ़ने की, फिर इंशाल्लाह सहूलत रहेगी। वगरना तो बहुत सारा सबक फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर सबको अप्लाई करना मुश्किल होता है। ठीक है ना, अगर एक कायदा याद करके पूरे वीक आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे तो आपकी वो एक रूटीन में चीज आ जाएगी, फिर आपको दोबारा से उस पर नई मेहनत करनी पड़ेगी। अगली चीज जो पढ़ेंगे ना फिर उस पर मेहनत करें तो इंशाल्लाह यूं आसानी से अल्लाह के फजल से हम अपने मकसद को पा सकते हैं। आइए जी अब मश करते हैं राल की। राल से मुतअल्लिका कलिमात हमारे सामने मौजूद है। राल जी, रालिका ذِكْرٌ نَذِيرٌ أَعُوذُ كَاذِبٌ। हाँ जी, इन सब में कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है? राल। अब देखो बादलों पर नजीर, नजीर बशीर नजीर, नजीर ये सीडी की आवाज आ रही है तो हमें जानने की जरूरत है कि ये तो जा बन गया है तो माना तो बदल जाएगा। जी जा की मिसालें जी, रिज कौन, हाँ इसमें आप जितनी मर्जी सीडी निकाल लें, सीडी पैदा कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। रिज़्कुन ज़ैतूनुन फ़ाज़ा ज़ईमुन जाइज़तुन, हाँ जी ये सब मिसालें ज़ा की हैं और मिसालों के साथ ब्रैकेट में उनके तर्जुमा और मानी भी लिखे हुए हैं। वा की मिसाल जी, अब जरा आपने थोड़ा सा इहतमाम करना और तवज्जो करनी है। वालिमुन, हाँ ये मुझे एक दो सीटी की बाजें आई हैं, इनको हमने खत्म करना है। इसको जालिमुन नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? वा वालिमुन। माशाल्लाह देखे ना, अब कोई भी सीटी की आवाज नहीं आई, इसका मतलब अगर हम थोड़ी सी तवज्जो कर लेना तो बेहतरीन है माशाल्लाह। जी वालिमुन अज़ीमुन हफीज़ुन वाइज़ुन ज़लीलुन, ये सब वा है, वा तो और उसके बाद वा। अब है जी वाद, अब तो आपको बहुत एहतमाम करना है। राल में थोड़ा सा एहतमाम कर लें क्योंकि वो इजी है, वा में जरा थोड़ा सा ज्यादा एहतमाम, और वाद में सारे के सारे हरूफ में सबसे ज्यादा एहतमाम ही वाद में, क्योंकि ये सबसे मुश्किल लफ्ज़ है ना, ये सबसे मुश्किल हर्फ है पूरी अरबी जुबान में अदा करना। जी अब इसको देखें जी कैसे पढ़ना है। वल्ला, लेकिन आपने वाद को मोटा करते हुए लाम को नहीं मोटा होने देना, ये महारत है, ठीक है ना। ला वल्ला ऐसे नहीं, देखिए पहले मुझसे गौर से सुनिए फिर उसके बाद वो ये खूब भर के वाद
हाँ जी, आप भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मुमकिन है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप इंशाल्लाह रूटीन में आ जाएंगे ना तो फिर आपका भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी वल्ला मरीदुन अर्दुन अरीदुन रादिन। हाँ जी, अब यानी वाद को हमने इतना मोटा नहीं करना, ना इसको इतना सख्ती देनी है कि दाल बने, बस इतनी सी बात ही चले आप जेन में रख लें, ना इतना हमने इसको लूज करना कि जा बन जाए। अरीजुन अरीदुन दोनों गलत, क्या पढ़ेंगे, दोनों के दरमियान में कर लीजिए, चले ऐसे कर लेते अपनी आसानी के लिए, जा के और दाल के दरमियान में ले आइए। अरीजुन वन, ठीक है ना, जा बनी है ना दाल। अब जी इन तीनों चारों हरूफ की इकट्ठी मिसालें लिखी हुई हैं, अब हम उनकी प्रैक्टिस करते हुए मश्क करते हुए हम खुद जानेंगे कि हम कितना किनको इनके सही तौर पर पढ़ने में कामयाब हो रहे हैं। जी पहले मैं चारों हरूफ का सेट मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, फिर उसके बाद आप सबने पढ़ना है। जी पहले आपने चारों हरूफ मुझसे सुन लेने हैं, अज अज अव अव। अब आप पढ़िए। हाँ, फर्क महसूस कर रहे हैं ना खुद ब खुद ही, पहले सुन के फर्क महसूस करें फिर पढ़ के फर्क महसूस कीजिए। मैं दोबारा पढ़ता हूं इस सेट को, आप गौर से सुनिए। अज अज अव अव। जी हाँ, आखिरी हरफ में ना थोड़ा सा एहतमाम ज्यादा कर ले, मैं इसीलिए आपको दिखाने के लिए ज्यादा एहतमाम कर रहा हूं। अव खूब उठा के मैं आपको सुना रहा हूं अच्छी तरह, ताकि आपको पता चल जाए वाद पढ़नी कैसे है, ठीक है ना। ये बड़ा अहमियत का हामिल सबक है ना, क्योंकि हम ये बार बार जान रहे हैं, हरफ बदलेगा तो माना बदल जाएगा। आगे मिसालें भी हम पढ़ लेंगे इसी सेट के अंदर इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। अगले हरूफ में पढ़ता हूं कलिमात, फिर आप सुनिए, फिर बाद में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी जल्ला जल्ला वल्ला वल्ला। जी हाँ जी, देखिए ना जी, जल्ला जाल के साथ इसका क्या मतलब है, वो जलील हुआ, और जल्ला का क्या मतलब है, वो फिसल गया फिसला, और वल्ला वा के साथ इसका क्या मतलब है, वो हो गया, किसी काम का होना या किसी वक्त का होना वगैरह उसके लिए इस्तेमाल होता है, और वल्ला वाद के साथ वो गुमराह हुआ। जी अगली मिसाल है जी, फिर मैं पढ़ता हूं, फिर आपने इंशाल्लाह सुनना है जी, फिर आपने पढ़ना है। जलीलुन जलीलुन वलीलुन वलीलुन। जी हाँ, आखिरी हरफ देखिए वली, खूब वाद को सही, और इसका मतलब होता है गुमराह, और वा के साथ वलीलुन, इसका क्या मतलब है, साया, ठीक है ना। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुरान पाक में यह लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जन्नत के अंदर साए होंगे बड़े घने, ठीक है ना, वहां पर हम पढ़ रहे हैं वलीलुन है तो यही, लेकिन हम चूंकि अजमी लोग हैं हम जलीलुन ही पढ़ देते हैं, वहां पर फिसलना होगा तो कितना माना बदल जाता है, इसलिए हमने हरूफ को उनके सही मकाम से और उनके अंदर जो सिफत बनती है बारीक करने की मोटा करने की, वो सब मलहूज खातिर रखते हुए हमने इंशाल्लाह उसको अदा करना है। अल्लाह सुबहानहु व ताला हम सबको जैसे अल्लाह ने कुरान उतारा है वैसे ही पढ़ने और समझने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जी अगला हमारा सबक है कुरान पाक को समझने के लिए जो चीज़ें हमारी मदद कर सकती हैं वो हैं चंद अलामत। आज हमने अलामत पढ़नी है एक हुआ और दूसरा है हिया। हुआ का मतलब है वो और हिया का मतलब है वो, ये चंद अलामत का एक सेट है, लेकिन मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसके बाद हमने हु और ही और हा का वो भी सेट इंशाल्लाह पढ़ना है, वो शामिल इसके साथ ही है, लेकिन हमने उसको सहूलत के लिए अलग कर दिया है। हुआ, ये हुआ जो है ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, किसी मर्द के मुतालिक आपने बात करनी है ना तो आप हुआ का इस्तेमाल करेंगे, ये एक अलामत है। मिसाल के तौर पर आप किसी मर्द के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना, फुला शख्स, मसलन आप कहते हैं हामिद,
मेरे पास आया। अब हर जुबान के अंदर ये उसलूब है, हामिद मेरे पास आया। अब आप बार बार तो ना करेंगे हामिद ने मेरे साथ ये बात की, हामिद मेरे पास बैठा, हामिद ने मेरे पास खाना खाया। आप क्या करते हैं, हामिद की जगह पर आप वो लगा देते हैं, हामिद आया वो मेरे पास बैठा, ठीक है ना, उसने मेरे साथ बातें की। आप इस तरह के लफ्ज उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं, अरबी जुबान में भी ऐसे ही है, जा हामिदुन, ठीक है, हुआ दखला फी बैती, वो मेरे घर में दाखिल हुआ, जलसा। अगर चेक बास कलिमात ऐसे जो बजाते खुद ही सारा माना कवर कर लेते हैं, लेकिन बास जगहों पर यहोवा का इस्तेमाल होता है। जैसे आज हमने सूरत पढ़नी है सूरतुल इखलास, उसमें क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद, हुआ आ गया, तो ये अलामत है और इसका तर्जुमा है वो, ठीक है, लेकिन ये इस्तेमाल होती है मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए। वालिद मोहतरम के लिए बात करनी है, हुआ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, हुआ अभी, वो मेरे वालिद साहब हैं, ठीक है ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो मेरे वालिद साहब हैं, तो क्या कहते हैं, हुआ अभी, वो मेरे वालिद मोहतरम है। हिया, हिया का मतलब भी वो है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन वालिदा के लिए बात करनी है तो आप क्या कहेंगे, हिया उम्मी, वो मेरी वालिदा मोहतरमा है, ठीक है ना जी। तो मुअन्नस के लिए हिया और मुजक्कर के लिए हुआ, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, होता ये है, हुआ के बाद और हिया के बाद आम तौर पर ऐसा कलिमा आता है जिसके शुरू में अलिफ लाम नहीं होता, शुरू में अलिफ लाम नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हुआ राजुलुन, वो एक मर्द है, लेकिन अगर इस पर अलिफ लाम आ जाए तो फिर वह ये खास हो जाएगा, उसके माना के अंदर जोर पैदा हो जाएगा, ठीक है। हुवर राजुलु, हुवर राजुलु, हमने ये पढ़ रखा है, शुरू में अगर अलिफ लाम आता है तो आखिर में तनवीन नहीं आती, तनवीन आ गई तो शुरू में अलिफ लाम नहीं आएगा। हुवा राजुलुन, वो एक मर्द है, आम आदमी है, कोई भी आदमी, आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपने कहा हुवर राजुलु, यही वो आदमी है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं वो इस आदमी ने गलती की है, जो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल यही है वो आदमी जिसने ये किया है, तो उस वक्त क्या कहते हैं, हुवर राजुलु, यही वो आदमी है, तो क्या मतलब है कि उसके अंदर जोर पैदा हो गया, यकीन की कैफियत पैदा हो गई और माना मफहूम के अंदर एक ताकीद पैदा हो गई है। तो बिल्कुल बस ये है हमारा आज का समझने के लिए सबक, तो पढ़ लीजिए हुआ और हिया। फरमाते हुआ ये अलामत वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होती है और तर्जुमा क्या होता है, वो, इसका तर्जुमा होगा वो। कुरान पाक में बहुत सारी मिसालें हैं, मसलन हुवल्लाहु, वही अल्लाह, अल्लाह। अभी हमने इंशाल्लाह जब तफसीर थोड़ी सी बयान करनी है सूरतुल इखलास की, तो उस ज़मन में मैं बताऊंगा कि लफ्ज अल्लाह क्या चीज है, कैसे बना है। तो लफ्ज अल्लाह के शुरू में अलिफ लाम है, इसलिए हम कह रहे हैं वही अल्लाह, तो कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दीजिए वही है अल्लाह, वही एक है जी। हुआ कुरआनुन, वो कुरान है, तो हुआ का क्या तर्जुमा हो रहा है, वो। हुआ मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। अल्लाह ताला के बारे में कुरान पाक में जिक्र है कि अल्लाह ताला तुम्हारा मौला है। वमा हुआ बिकौली शाइर, वा और मा नहीं, हुआ वो, ये कुरान पाक के बारे में बात हो रही है। मक्का वालों ने कहा ये तो किसी शायर की बात है, ये तो माजल्ला मजनून है, ये तो दीवाना है, इस तरह की बातें की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया है, ये जो अल्लाह का कुरान है ना, वमा हुआ, और नहीं है वो बिकौल शायर, किसी शायर की बात, ये कुरान पाक किसी शायर की बात नहीं है। हिया, ये अलामत एक मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, एक मुअन्नस फीमेल, उसके लिए हिया इस्तेमाल होगा, इसका तर्जुमा भी होता है वो। मसलन हिया जजरतुन, हिया जजरतुन, अल्लाह ताला ने कयामत के हालात में जिक्र किया है, फइन्नमा हिया जजरतु वाहिदा, बस एक ही डांट होगी। ये नहीं है कि अल्लाह ताला को सबको आकर खुद कुरेद कुरेद कर कब्रों में से निकालना पड़ेगा, नहीं, एक डांट पड़ेगी
और सब के सब कब्रों से उठेंगे और जनाब अल्लाह की तरफ चलना शुरू कर देंगे। क़यामत वो है, ठीक है ना। तो वाम्र का ज़जरतुन, बाज कहते हैं जलजला, एकदम जुम्बिश होगी, जलजला आएगा और सब के सब निकल के बाहर। अब देखें ना अभी क्या होता है, ये पिछले दिनों में भी जलजला आया, बड़ा शदीद जलजला था, लोग कलिमा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। आपने सोचा कि या अल्लाह ये तो मामूली सा जलजला है, और जिसको तूने बहुत बड़ा जलजला कहा है कयामत का, वो कितना खौफनाक होगा। ये चीजें फिक्र दिलाती हैं, एहसास दिलाती हैं, अल्लाह की तरफ रगबत होती है। अल्लाह इसलिए झंझोड़ता है, कभी जलजले आते हैं, कभी सिलाब आते हैं, कभी कोई तकलीफ आती है, लेकिन अगर हम फिर भी ना पलटें अल्लाह की तरफ, तो मेरे प्यारे भाइयों फिर हमें सोचना चाहिए कहीं हमारे दिल सख्त तो नहीं हो गए, कि इतने बड़ी बड़ी अल्लाह की तरफ से हिलाई जा रही हैं हमारी डोरियां और हम बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, टस से मस नहीं होते, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, और है हालात ऐसे ही। हैयतुन, हिया वो हैयतुन सांप है। मूसा अलैहि सलातो वसलाम लाठी फेंकी ना तो क्या बन गई थी, सांप। तो उसका जिक्र हो रहा है, हैयतुन तसआ, वो एक सांप बन गई और दौड़ने लग गई। हिया अहसन, वो अच्छी है, वो अच्छी है, यानी आपने गुफ्तगू करनी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा इदफा बिल्लती ही अहसन, आपसे अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, अब आप उसको किस अंदाज में बात करें, अच्छे अंदाज में, आपने वो बात करनी है जो अच्छी बात हो, तो ये है या अहसन। ही दारुल करार, वो करार का घर है, ये जन्नत का जिक्र है, वो जो जन्नत है ना, ही या वो जन्नत, दारुल करार, बड़े सुकून का घर है, बड़े मजे का घर है, जो वहां पर चला गया उसके मजे ही मजे हैं, अल्लाह हम सबको उसका हकदार बना दे। फरमाते नोट, अगर हुआ और हिया के बाद ऐसा इस्म हो जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, तो माना में ताकीद का मफहूम पैदा हो जाता है, और उर्दू जुबान में हम ताकीद का मफहूम पैदा करने के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वो ही, जैसे देखिए इन शानिअकहुल अबतर, दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गुस्ताखाने रसूल ने आपको माजल्ला कहा, ये तो अब बिल्कुल माजल्ला जड़कटा हो गया है, इसकी तो आगे नस्ल ही नहीं चलेगी, इसका बेटा ही कोई नहीं है, आखिरी बेटा था इब्राहिम वो भी फौत हो गया है। तो जब उन्होंने इस किस्म की बातें की ना, तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सूरतुल कौसर उतारी और उसमें कहा मेरे पैगंबर इन्ना बेशक शानिअका, आपका गुस्ताख, आपका दुश्मन हुआ वही अल अबतर, जड़कटा है, बेशक आपका दुश्मन ही जड़कटा है, जो भी आपका दुश्मन है उसके जड़कटा होने में, बेनस्ला होने में कोई शक नहीं। आज देख लो अबू जहल, उसकी औलाद को कौन जानता है, किसी को भी नहीं पता इस उम्मत के फिरौन की औलाद कौन है, कोई कहता है मैं अबू जहल की नस्ल से हूं, कोई काफिर भी क्यों ना हो, कितना बड़े से बड़ा, कोई नहीं कहेगा। और रसूल पाक सल्लम की आल में से होना, आपकी औलाद में से होना, सैयद होना, ये तमाम मुसलमानों के लिए एजाज की बात होती है, ठीक है ना। और वाकई सही मानों में सैयद हो, ऐसे नहीं कि हरारा घरा उठ के कह जी मैं सैयद हूं, सैयद कौन होता है, सरदार कौन होता है। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना औलन्नास बिइब्राहीम लल्लज़ीन तबऊ, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा ताल्लुक उसका होगा जो उनका पैरोकार होगा, क्योंकि यहूदी कहते थे हमारा ताल्लुक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, ईसाई कहते थे नहीं हमारा ताल्लुक है, मुशरिकीन मक्का कहते नहीं हमारा ताल्लुक है, जैसे आज हम मुसलमान कहते हैं। कितने लोग हैं जो आपने आपको बिला वजह मैं जी सैयद होता हूं, मैं जी सैयद होता हूं, हर बंदा उठ के कह रहा है, नहीं याद रखिए सैयद वही है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पैरोकार है। बिलाल रजी अल्लाह तआला ने, किस कुरैशी खानदान से थे, कुरैश में से थे, हाशमी थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कोई उनका खूनी ताल्लुक था, कोई भी नहीं। लेकिन देख लो उमर रजी अल्लाह क्या क्या कहते थे, बिलाल उन सैयद होना, कहे बिलाल तो हमारा सैयद है, क्यों, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमा बरदार थे। तो ये बात वाजे हो गई, जो पैरोकार है ना वो है सैयद, ये नहीं है कि उसको ना नमाज का पता है ना कुरान का पता है, ठीक है ना। शराब वो बदबखत पीता है और मुंह में से बदबू उसके आती है, जिसम से बदबू के भूले उठ रहे हैं और वो कहते हैं मैं सैयद हूं, ऐसा सैयद नहीं होता। हमारा मिजाज असल में बदल गया है ना,
और ऐसे लोगों को हमने मौका दिया नकब लगाने का। इसलिए याद रखिए, सैयद वो है साफ सुथरा रहता है, बावजू रहता है, नमाज पढ़ता है, ठीक है ना, अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को तर रखता है, अल्लाह के हक भी अदा करता है, बंदों के हक भी अदा करता है। ये सैयद कहलाने का हक है, हकदार है। और अगर वो आले रसूल में से हो जाए फिर तो सुबहान अल्लाह, सोने पे सुहागा है, क्या ही बात है। तो इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो जो आपका दुश्मन है ना, वो बेनसला है, वो है जड़कटा। और आज देखिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान है, उनके दिलों में मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की मोहब्बत बसती है, ठीक है ना। जिस दिल में ईमान नहीं ना होता और मोहब्बत नहीं होती, उस दिल की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। ईमान हो गई तब जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल के अंदर मोहब्बत होगी। जिस दिल में मोहब्बत नहीं ना, उस दिल में ईमान नहीं है। तो सुभान अल्लाह, देखे अल्लाह सुभानहू व तआला ने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितनी सदियां गुजर गई, आज तक जिक्र खैर बाकी रखा हुआ है। वरफअना लक ज़िक्रक, और आपके जितने दुश्मन थे वो सारे के सारे खायब व खासिर हो गए। तो यहां पर देखिए री हुआ आया है, हुआ के बाद अलिफ लाम वाला कलिमा, ताकीद पैदा हो गई, आपके दुश्मन के बेनसला होने में कोई शक नहीं है। फइन्ना, पस बेशक, अल जन्नत, जन्नत हिया वही अल मा ठिकाना है। किसका? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इससे पहले बताया है, वो शख्स, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जिसके दिल में अपने अल्लाह के सामने खड़ा होने का डर पैदा हो गया। यार मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह ताला जज होगा, उसके सामने खड़े होना है। बस जिसके दिल में ये खौफ बैठ गया ना, वनहन नफ्स अनिल हवा, और उसने अपनी ख्वाहिशात के घोड़े को लुगाम डाल दी कि नहीं भाई तेरे पीछे कहां चलूं, मैंने तो चलना अपने रब के पीछे, खड़े उसके सामने होना, जवाब उसको देना, तुझे तो जवाब नहीं ना देना। अफराई तमन इत्तखज इलाहु हवा, उस बदनसीब को भी देखा जो अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बनाए बैठा है, उसकी मानता हर वक्त, रब की नहीं मानता। तो रब की जो मानता है ना, वो रब को माबूद समझता है, और जो अपनी ख्वाहिश की मानता है, कुरान बता रहा है, वो अपनी ख्वाहिश को माबूद समझता है। अब मैंने और आपने सोचना, हम किस राह पे चल रहे हैं? तो दो चीजें जिसमें पैदा हो गई ना, अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ दिल में बैठ गया, और दूसरी बात, इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा, बंदा फिर ख्वाहिश परस्ती नहीं करता, अपनी नफ्स परस्ती पर नहीं चलता, मन चाही फिर जिंदगी नहीं गुजारता, अब ख्वाहिशात से अपने आप को रोकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, पस बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है, यानी इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बंदे का ठिकाना जन्नत है। अल्लाह हम सबको ऐसा ही बना दे। लीजिए, यह था हमारा फहमुल कुरान से मुतालिक सबक। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल इखलास पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से, और इसका तर्जुमा और मुख्तसरन इसकी वजाहत इंशाअल्लाह करते हैं। आइए जी तिलावत कर लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। जी, वलम यकुल लहू, ठीक है, वलम यकुल लहू नहीं कहना, वलम यकुल लहू, जी, कुफुवन अहद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सूरह मुबारका है, कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है ना। और इस लिहाज से कितने बदनसीब हैं कि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हैं जिन्हें सूरतुल इखलास भी पढ़नी नहीं आती, ये हमारी बदनसीबी है ना। तो अल्लाह ताला ने ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखे हैं, तो अल्लाह ताला बस अपनी रहमत फरमाए और हमारे हालात को अल्लाह ताला अच्छा और दुरुस्त कर दे। ये सूरह मुबारका बड़ी अजीम शान है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हदीस के अंदर हैं।
सब तो थोड़े से वक्त में बयान नहीं की जा सकती, चंद एक में इंशाल्लाह ताला आपके सामने अर्ज करता हूं, लेकिन उससे पहले तर्जुमा देख लीजिए। कुल फरमा दीजिए, आप कहिए, हुआ वो अल्लाहु अल्लाह अहदुन एक है, वही है अल्लाह जो एक है, ठीक है ना। ताकीदी माना इस तरह से, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए कर लेते हैं, वो अल्लाह एक है, मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन असल तर्जुमा क्या है, हुवल्लाह वही है अल्लाह, अहदुन वही एक है या जो एक है, अल्लाहु अल्लाह ताला अस्समद बेनियाज है। अब देखिए अल्लाहु अस्समद आ गया, अल्लाहु समद अल्लाह ही बेनियाज है, लम यलिद उसने किसी को नहीं जना, यानी उसकी कोई औलाद नहीं है, किसी का वो बाप नहीं है, वलम यूलद और ना वो जना गया है, ना उसकी मां है ना उसका बाप है, वो किसी में से भी नहीं निकला, ना उसमें से कोई निकला है, वलम यकुन और नहीं है लहू उसके लिए कुफुवन हमसरी करने वाला, बराबरी करने वाला, ठीक है ना, यानी कुफुव हमारे यहां इस्तेमाल भी होता है, अहदुन कोई भी, कोई नहीं है कायनात में जो उसके बराबर का हो, जो उसका सानी हो, ठीक है ना। तो ये अल्लाह सुबहान व तआला की सिफतें हैं, सुबहान अल्लाह। ये वो सूरह मुबारक सैयदना उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, मुशरिकीन मक्का ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो दिन रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, अपने रब का जिक्र करते हैं, बस आपने क्या रखा है, बस एक ही है, सब कुछ वही करता है, अजअल अल आलिहा इलाहा वाहिदन इन हाजा लशयउन उजाब, इतने सारे माबूदों को छोड़कर बस तू एक का ही होकर रह गया, ये तो बड़ी अजीब बात है। चल अच्छा, सिफ लना रब्बक, हमारे सामने जरा अपने रब की सिफत तो बयान करना, क्या है तेरा रब, कौन है तेरा रब। उन्होंने तो इस अंदाज में तंजन और मजाकन अल्लाह मुआफ फरमाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मलामत करते हुए, डिग्रेड करते हुए, क्योंकि दुश्मन जो थे ना, तो उन्होंने इस अंदाज में गुफ्तगू की, सिफ लना रब्बक, हमारे लिए अपने रब की सिफत बयान कर। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने यह सूरह मुबारक नाजिल फरमाई, कुल हुवल्लाहु अहद, कैसी है हमारे रब की सिफत, क्यों जी क्या कहते हैं आप, कितनी अच्छी है हमारे रब की सिफत, सुबहान अल्लाह। आज हम इतनी देर के बाद इस उम्मत में पैदा हुए हैं, तो आज हमें अपने रब की सिफत इतनी अच्छी लग रही है, तो उस दौर के लोगों को कितनी अच्छी लगती होगी, सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये खुद अपनी सिफात आलिया अपने पैगंबर सल्लम पर नाजिल फरमा दी, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर पढ़ के उनको सुनाई और उनके मुंह बंद कर दिए, और ये चार आयात पर मुश्तमिल सूरह मुबारक है, और दुनिया भर में अल्लाह की जात और सिफात के हवाले से पाए जाने वाले हर किस्म के शिर्क का इसने सफाया करके रख दिया है। एक और हदीस मुबारक है, सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु, उनसे रिवायत है, वो कहते हैं एक शख्स ने, यह बड़ी दिलचस्प हदीस है, एक शख्स ने एक आदमी को रात की नमाज पढ़ते हुए ना, क़यामुल लैल कर रहा है, रात को नमाज पढ़ रहा है, और उसमें वो सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़े जा रहा है बार बार, उसको और कुरान याद ही नहीं है, आता ही नहीं है, बस वो जिस वक्त हाथ बांधता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरह इखलास पढ़नी शुरू कर देता है, दो बार पढ़ी जाए, तीन बार पढ़ी जाए, दस बार पढ़ी जाए, जितनी बार पढ़ी जाए, बस वो सारी रात ऐसे ही करता रहता है। अब देखने वाले ने सोचा, उसने कहा यार सारी रात ये नमाज पढ़ता है, क्याम करता है, और कुछ पढ़ता नहीं है, तो गोया कि उन्होंने ना इसको बड़ा मामूली सा लिया, बड़ा ईजी ले लिया कि यार ये क्या करता है। उसने जाके ना शिकायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा दी कि अल्लाह के नबी जी, वो मैंने फलां आदमी को देखा है, वो रात की का क्याम करता है, इतना सारा कुरान है, 30 पारे वो और कुछ पढ़ता ही नहीं है, बस सूरह इखलास ही पढ़े जाता है। सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहा लतअदिलु थुलुसल कुरान, मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये एक सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है। जो बंदा एक बार इस सूरत को पढ़ता है ना, अल्लाह उसको 10 पारे पढ़ने का सवाब अता कर देता है। आप देखिए माशाल्लाह, अभी आपने मेरे साथ सूरतुल इखलास पढ़ी, हम सब ने मिलकर पढ़ी है, तो हमारा ईमान है, हमारी नीयत है, जैसी नीयत वैसी मुराद, आमाल का दारो मदार नीयत पर है,
हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि इंशाल्लाह हमने सूरह इखलास एक बार पढ़ी है तो 10 पारों के बराबर हमें अजर इंशाल्लाह मिल गया अल्लाह के फजल से। तो ये है वो सूरह मुबारक, इससे पता चले ये सही बुखारी शरीफ में ये हदीस है तो बड़ी ईमान अफरोज है। तो ये हरम में भी ना पिछले दिनों एक वाकया पेश आया, वहाँ के एक उस्ताद साहब है मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में दरस देते हैं, वो कहते हैं एक बंदे ने आके मुझसे सवाल किया कि क्या जी अगर कोई शख्स रात को क़याम करते वक्त सूरह इखलास ही पढ़ता रहे तो उसका रात का क़याम हो जाएगा। तो वो इमाम साहब खामोश हो गए, उस्ताद साहब सोच में पड़ गए। तो वो फरमाने लगे कि मैं सोच ये रहा था कि ये बुजुर्ग आदमी है और मसला ये पूछ रहा है कि अगर सूरह इखलास पढ़ता रहूं तो मेरा रात का क़याम हो जाएगा। तो कहते मैं सोच में ये पड़ गया, जिनको कुरान आता है वो पढ़ सकते हैं, जिनके सीनों में महफूज है या जो मुसहफ ऊपर से देखकर पढ़ सकते हैं वो सोए हुए हैं, और जिन बेचारों को आता नहीं है वो इस फिक्र में है कि यार चलो सूरह इखलास पढ़ के रात का क़याम कर लें। तो कितनी फिक्र वाली बात है। तो जो लोग सीनों में कुरान महफूज रखते हैं उन्हें भी रात को पढ़ना चाहिए यार, और कुछ नहीं तो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कह दिया 10 आयात ही पढ़ लो, कम अज कम गाफिलों में तो नहीं ना लिखे जाओगे। आप लोग उठे सुबह के वक्त, आप लोग कुरान पाक हाथ में मुसहफ लेकर पढ़ लें, जायज है नफलों के अंदर इस तरह पढ़ना। सही बुखारी शरीफ में वाकया मौजूद है, ठीक है। सईद आयशा रजी अल्लाह तआला के जो गुलाम थे ना वो ऐसे पढ़ा करते थे, पढ़ाया करते थे। तो ये दलील है इस बात की कि चलो जिसको जुबानी याद नहीं वो नफलों के अंदर कुरान पाक हाथ में लेकर, मोबाइल हाथ में लेकर ऊपर से देकर कुरान पढ़ ले, 10 आयात पढ़ ले, गाफिलों में तो ना लिखा जाए। और अगर ऐसा भी कोई नहीं कर सकता, सूरह इखलास तो फिर सबको ही आती है ना, तो चलो सूरह इखलास ही पढ़ ले एक बार दो बार एक रकत के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला थोड़े थोड़े अमल की भी बहुत कदर फरमाने वाला है। तो हमें अमल की तरफ आना चाहिए। एक और हदीस मुबारक है, सुभान अल्लाह, सैयद आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा, भाई ये लश्कर है तुमने फला मुहिम पे जाना है, फला जिहाद पे, फला सरिये पर, लिहाजा ये फला तुम्हारा अमीर है। अब वो अमीर साहब सुभान अल्लाह जब भी वो नमाज पढ़ाते ना तो वह सूरह कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ते, सूरतुल इखलास जरूर पढ़ते, कभी तिलावत से पहले पढ़ ली, अगली तिलावत से पहले, कभी जो है बाद में पढ़ ली, ठीक है ना। तो उन्होंने ये रूटीन बना रखी थी, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, फिर जहां कुरान में से पढ़ना होता पढ़ लेते। ये इस बात की दलील है कि आप तरतीब को नमाज में आगे पीछे कर सकते हैं। हमने ऐसे ही ना मसले बना लिए, लोगों को मुश्किल में डाल दिया। वो एक साथी बताने लगा, एक नमाजी कहते नहीं मैं इत्तेफाक से नमाज पढ़ाई तो मैंने सूरत उन्नास पहले पढ़ दी, सूरत उल्फलक बाद में पढ़ दी, वो पीछे मुक्ति वो कहते हमारी नमाज नहीं जी, नमाज दोबारा पढ़ेंगे। लो खुद से मुफ्त के मुफ्ती बने हुए सब लोग, अल्लाह समझ दे भाई कौन कहता नहीं होती। अल्लाह का कुरान कहता फकरा मा तयस्सर मिनल कुरान, जहां से कुरान तुम्हारा दिल चाहे आसानी लगे पढ़ लो। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लम रात के वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, लंबा वाकया है उसमें यह चीज है कि आपने पहले सूरत अल-बकरा पढ़ी, फिर उसके बाद आपने सूरह आले इमरान पढ़ी, फिर उसके बाद आपने सूरतुल माईदा पढ़ी, फिर आपने सूरतुल निसा पढ़ी। हालांकि तरतीब अगर देखें तो पहले सूरतुल माईदा आती है, सूरतुल निसा, सूरतुल निसा आती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल निसा नहीं पहले पढ़ी, पहले सूरतुल माईदा, बाद वाली पहले पढ़ी और पहले वाली बाद में पढ़ी। आपको तो नहीं किसी ने भी कहा भी आपकी नमाज नहीं, अल्लाह ने तो कोई वही नहीं उतारी मेरे नबी, आपने क्या किया तरतीब ही बदल दी, आपकी तो नमाज नहीं दोबारा पढ़े। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, खुद से कभी भी मुफ्त के मुफ्ती नहीं बनना, दलाइल मौजूद हैं। आप बाद वाला हिस्सा पहली रकत में पढ़ लें, पहले वाला हिस्सा बाद वाली रकत में पढ़ लें, कोई मसला नहीं। और बातों को समझें, अहले इल्म से राबता करें, इल्म वाले दलील वाले लोगों से। तरतीब कौन सी देखेंगे, तरतीब तो दो तरह की है, एक है तरतीब नुज़ूली, जिस तरतीब में अल्लाह ने कुरान उतारा है, तो सबसे पहली आयात कौन सी उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, वो कहां पे है, तीसवें पारे में, और शुरू कहां से हो रहा है, अलहमद शरीफ से, सूरतुल बकरा से, वो तो पहले होनी चाहिए थी। फिर भाई अल्लाह के बंदो तरतीब नज़ूली में पढ़े या तरतीब तौकीफी, ये तरतीब तौकीफी है जिसमें कुरान हमारे सामने मौजूद है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब खुद लगवाई है, फुला सूरत को फुला जगह पर और फुला आयत को फुला सूरत में, फुला आयत से पहले फुला आयत के बाद लिखो, सारी तरतीब आपकी लगवाई हुई है, या तरतीब का कोई मसला नहीं। तो बहरहाल ये ज़िमनन मसला आ गया, ये भी अहमियत का हामिल था। तो अब क्या हुआ, वो हर नमाज में ना जब भी जहरी नमाज पढ़ानी है तो तिलावत से पहले सूरतुल इखलास के बाद में पढ़ लेते,
सहाबा किराम का मिजाज ये था, कोई भी काम होता ना आपस में झगड़ने लड़ने की बजाय क्या करते थे, रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हो जाते थे। अल्लाह ने हमें भी कहा है मेरे बंदो फ़इन तनाज़ा तुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तुम्हारा अगर झगड़ा हो जाए ना तनाज़ा हो जाए तो एक दूसरे के कुफर के फतवे ना लगाओ, एक दूसरे पर कत्ल के फतवे ना लगाते फिरो, एक दूसरे की जान के दुश्मन ना बनो, बल्कि अपने तनाज़ात का फैसला किससे करवाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। कुरान पाक पढ़ लो पता चल जाएगा, हदीस पाक पढ़ लो पता चल जाएगा। यार सच्ची बात यह है मेरे प्यारे भाइयों मोहतरम बुजुर्गों, हम जिस जिस मौजू को भी छेड़ लेना, सच्ची बात है बहुत बढ़िया इस दौर का ये अलमिया है हमारे लिए। आज हम कुरान पाक को पढ़ते नहीं, हदीस पाक को पढ़ते नहीं है, और देख लें बिला वजह की मुखालफतों में कलिमा एक ही पढ़ते हैं सारे मुसलमान, एक ही किबले की तरफ मुंह करके सारे नमाज पढ़ते हैं, क्यों जी? या ऐसा है कि जनाब फला मसलक वालों का किबला कोई और है, फला मसलक वालों का और है, सारे एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं, एक ही रसूल पाक को मानने वाले हैं, एक ही किताब कुरान पाक है, लेकिन इख्तलाफात में तकसीम होकर क्या है आज? आज एक दूसरे से मिलना गवारा नहीं करते, दिलों में नफरतें और दुश्मनियां पाल रखी हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं, कितनी खौफनाक बात है। हालांकि दीन हमारा ऐसा खूबसूरत है जो बंदा अमल करता है दलील जानकर समझकर, अगर सही नतीजे पर पहुंच जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह उसको डबल अजर देता है, लेकिन अगर उससे मिस्टेक हो जाती है गलती हो जाती है ना तो अल्लाह एक अजर उसको जरूर देता है, लेकिन लड़ाई झगड़े का कोई अजर नहीं है, आपस के अंदर फसादात का कोई अजर नहीं है। लिहाजा आइए इन बातों को समझिए, कितना बड़ा इख्तिलाफ हो सकता था, यार तू हर नमाज के अंदर बस यही सूरह इखलास ही पढ़ता रहता है, पहले भी बाद में भी क्या मसला है तुझे, झगड़ लेते लड़ पड़ते आपस में, नहीं ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपने अमीर साहब की इख्तिताम में नमाजें पढ़ी, कोई फितना पैदा नहीं किया, कोई इस तरह की बात नहीं है। ये आज हमारे लिए भी बड़ी अहमियत के हामिल बातें हैं, हमारे इमाम साहब अगर कोई गलती कर जाए वो भी तो इंसान है ना, बजाय इसके जनाब उनके बारे में बदखोइयां और उनकी जुबान के उनके चेहरे पर जनाब या उनके मुंह पर बदजुबानी करना, लान तान करना, लोगों में बैठ बैठ के जनाब कीचड़ उछालना, ये सारी बातें बड़ी खौफनाक हैं। सहाबा किराम का ये तर्ज अमल नहीं था, ठीक है ना, तो इन बातों को बड़ा समझने की जरूरत है, मुआशरे की बहुत इस्लाह की जरूरत है। लीजिए उन्होंने अपने अमीर की इमारत को कबूल किया, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ी, सब्र तहम्मुल से काम लिया, जब वापसी हुई ना तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने मसला रख दिया। अल्लाह के नबी जी जिनको आपने हमारा अमीर बनाया था ना, उन्होंने जब भी हमें नमाज पढ़ाई ना जहरी मगरब ईशा फजर, तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगली सूरत को पढ़ते ना तो पहले या बाद में सूरतुल इखलास लाजमी पढ़ते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया सलूहु लिअय्यि शैइन यस्नउ ज़ालिक, जाओ उससे जरा पूछ के आओ कि वह ऐसा क्यों करता था। अब तहकीक होने लगी है, देखिए ये भी हमारे प्यारे नबी की तालीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बात पहुंचे तो क्या करो, तहकीक कर लो, ऐसे ही नहीं किसी ने आगे किसी के बारे में बताया वो ऐसे करता है, भाई उसको पता तो करो, उसका सबब मालूम करो, वजह मालूम करो, भाई आखिर उसने ऐसा किया क्यों है, वो क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी बन गई थी कि उसने ऐसा किया है। हम ये चीजें नहीं देखते, हम बस कानों के इतने कच्चे होते हैं, बात सुनी बस फौट और दूसरे के बारे में बदगुमान हो गए, दूसरे के बारे में महाज खोल लिया। मेरे प्यारे भाइयों हमें कितनी इस्लाह की जरूरत है, कहीं हम इन राहों पर चलकर कहीं जहन्नम की राह पे तो नहीं चल रहे, अल्लाह के रसूल का रास्ता छोड़ के किसी और राह पर तो नहीं चल पड़े, सहाबा किराम की राह छोड़कर किसी और राह पर तो नहीं चल रहे। मैं क्या क्या आपके सामने अर्ज करूं और किस किस अंदाज में अपने आप को और आप सबको समझाऊं, सोचिएगा जरा। अल्लाह के नबी सल्लम को से आवश्यक शिकायत लगा रहे, लेकिन आपने क्या किया, आपने कोई उनके लिए फौरन कोई हुक्म नहीं जारी कर दिया, या फौरन से खुशखबरी नहीं सुना दी, या फौरन से कोई सजा का ऐलान नहीं किया, नहीं आपने पूछा जाओ उससे पूछकर आओ वो किस लिए ऐसा करता था। लीजिए अब से आबाई के नाम गए जाके उससे पूछा, तो जब उनसे पूछा ना तो उसने उन्होंने कहा लिअन्नहा सिफतुर रहमान, क्योंकि ये मेरे रब की सिफत है, मेरे रब रहमान की ये सिफात है, मेरे रब का ये तारुफ हो रहा है, मेरे रब का मुझे बताया जा रहा है कौन है मेरा रब मेरा महबूद, तो रहमान की सिफत है। वअना उहिब्बु अन अक्रा बिहा, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको पढ़ता ही रहूं, मेरी जुबान पर सूरह इखलास ही रहे, मैं इसको ही पढ़ता रहूं।
लीजिए सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह को आकर बताया कि जी आपने जो तहकीक के लिए भेजा था हमने तहकीक की है, तो उन्होंने आगे से ही हमें यह बताया। अब सुनो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल का फरमान मुबारक, आपने फरमाया अखबिरू हो, इसे मालूम हो रहा कि वो वहां पर मौजूद नहीं था, वो बाहर कहीं साइड पर था, वो वहां मौजूद नहीं था उस मजलिस में, तो आपने फरमाया जाओ जाकर उसको खबर दे दो अन्नल्लाह युहिब्बुहु, कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, उसको अपने रब की सिफत सूरह इखलास पढ़ना पसंद है, और उसकी किस्मत के क्या कहने के अर्श बरी पर रब ताला उससे मोहब्बत करता है। तो आज मैं इन्हीं बातों पर इक्तफा करता हूं, बाकी हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे मेरे अजीजों। तो सूरह इखलास इसके साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना, लाजमी नहीं है हाँ कि आप सुन्नत समझ के पढ़ें, बाज़ रिवायात में है लेकिन वो रिवायात सारी की सारी ज़ईफ़ मौजू किस्म की हैं, 200 बार पढ़ना 300 बार डेली का पढ़ना नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार पढ़ने का जिक्र है सुन्नत के मुताबिक। सुबह आपने की है 3 बार पढ़ लें, पिछली बार भी हमने वो हदीस जिक्र की है, शाम आपने की है 3 बार पढ़ लें इन तीनों आखिरी सूरतों को, रात को सोने लगे बिस्तर पर आके बैठ गए तीनों सूरतों को पढ़कर दोनों हाथों में फूंक मार के पूरे जिस्म पर फेर लें और ये अमल 3 बार करें, तो एक वक्त में 3 बार पढ़ना ही सुन्नत है। हां अगर कोई बंदा अपनी को रूटीन बना लेता है, अपनी रूटीन बना लेता है कि मैंने डेली की 10 बार पढ़नी है, 100 बार पढ़नी है, एक तस्बीह निकालनी है, तो सुन्नत ना समझे, अपने तौर पर पढ़ रहा है तो ठीक है, जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह ताला। लेकिन जब मसला आके यहां आता है कि यह सुन्नत है, नहीं सुन्नत नहीं हमने समझना, ठीक है ना, ये फजीलतें यार ये तो बड़ी फजीलत है, मैं तो बस अपने रब की सिफत ही पढ़ता रहूं, सूरह इखलास ही पढ़ता रहूं, इसका सवाब इतना है कि एक बार पढ़ने पर अल्लाह ताला एक कुरान पढ़ने का सवाब दे देता है, तो क्यों ना मैं यही पढ़ता रहूं, तो आप पढ़ते रहे, ठीक है ना, आपको इससे मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें हक बात को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाकी का बयान इंशाल्लाह अगली क्लास में अल्लाह की तौफीक से करेंगे। आज की दुआ है जी इंशाल्लाह ताला, मैं बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों का इंतखाब करता हूँ जो हमारी फौरी ज़रूरियात से मुतालिक होती हैं, और आज हर शख्स को ये चीज़ें दरपेश हैं जो हमारी इन दुआओं के अंदर आ रही हैं, तो इससे आप ये भी समझिए कि अल्लाह का दीन हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हमारे लिए रहमत हैं, हर मौके पर हमारी रहनुमाई फरमा दी। पीछे आपने पढ़ा ना, कर्ज के बोझ तले दब गए तो क्या दुआ पढ़ें, या आज हमें वास्ता पढ़ता रहता है ना, गम परेशानियां टेंशनें। एक और बड़ा अहम मसला है, वो क्या होता है, रुकावट आ गई है काम में, बड़ी मुश्किल हो रही है जी, जिधर कदम उठाता हूं मुश्किलात हैं, रुकावटें ही रुकावटें, मसला ही हल नहीं हो रहा। तो नबी अकरम ने बताया कि जब कभी मुश्किल आ जाए, कोई काम मुश्किल हो जाए ना, और आप चाहते हैं कि वो आसान हो, तो आज हमने जो दुआ पढ़नी आप वो दुआ पढ़ा करें। सही इब्ने हिब्बान में सही ये रिवायत है और दुआ के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। दो जुमले बनते हैं, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। ए अल्लाह, कोई आसानी आसानी नहीं मगर वही जिसे आप आसानी बना दें, और या अल्लाह आप जब चाहें मुश्किल को आसान बना दें। आप अंदाजा करें ना, तसव्वुर करें जरा, कैसा खूबसूरत स्टाइल है अल्लाह से बात करने का, ए अल्लाह कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है, जब आप उसको आसान कर दें वो मुश्किल रहती नहीं है, और आसानी भी कोई आसानी नहीं है जिसे आप आसानी ना बनाएं, मेरे तो बस में कुछ नहीं है, मैं तो कर ही कुछ नहीं सकता। तो ये वो दुआ है कि जब भी जिंदगी में कोई काम मुश्किल हो जाए तो आप इस दुआ को पढ़ने का अहतमाम करें, पढ़ते जाएं और देखते जाएं इंशाल्लाह अल्लाह ताला कैसे आपके लिए आसानियां करता है। यकीन ये शर्त है, यकीन होना जरूरी है, बेयकीनी के साथ आप जो मर्जी कर जाएं उसका फायदा नहीं होता, पूरे यकीन तवक्कुल एतमाद के साथ अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए इंशाल्लाह अमल करें, तो अल्लाह की तौफीक से इन चीजों के फवायद हासिल करें। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सवाल है कि नमाज में सूरह इखलास पढ़ी है
और उसके साथ मुकम्मल सूरत पढ़ना लाजमी है या थोड़ी आयात भी तिलावत की जा सकती है? नमाज में सूरतुल इखलास पढ़ी है, अब उसके बाद आपने जो तिलावत करनी है क्या चंद आयात पढ़ी जा सकती हैं, मुकम्मल कोई सूरत ही पढ़नी है? नहीं, चंद आयात भी आप पढ़ सकते हैं, मुकम्मल सूरत पढ़ना लाजिम नहीं है। आप कहीं से भी कुरान पाक, मैंने बताया ना सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने कहा फ़क़्रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो से आपको कुरान आसान लगे आप पढ़ना चाहें मयस्सर हो आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप चंद आयात पढ़ लें, उसके बाद उससे पहले चंद आयात पढ़ के फिर सूरह इखलास पढ़ लें, आप छोटी सूरत आप पूरी सूरत पढ़ लें सूरह इखलास के बाद, ठीक है। दाल और ज़ादे दरमियान चे रखना है, पढ़ो जरा, मैं जरा सुना जी, हाँ बस इन थोड़ा जा ना मोटा कर लेना है, ठीक है मोटा कर लेना है। तो थोड़े वर्गे बुजुर्ग तो वैसे ही इंशाल्लाह ताला काबिले मुआफ़ी ने अल्लाह दे इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह मेहनत करते रहना आप, ठीक है ना जी। तो बस थोड़ा जहाँ मोटा कर वलव वाह, हाँ नरम नहीं इन्ना करना भी जा वलज़ इंज नहीं ना वलद दुआ इंज भी नहीं, दुआ के दरमियान चे वलव वाह इंशाल्लाह। जज़ाक अल्लाह खैरन। वालेकुम अस्सलाम। माहे रजब के हवाले से बहुत सारी तस्वीरात जो है ना बहुत सारे सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं, इनके बारे में जरा वजाहत फरमा दीजिए कि कौन सी तस्वीरात करनी चाहिए या ये इनका सोशल मीडिया का ही जैसा। रजब के हवाले से सिर्फ एक चीज जहन में रखिए जो सही अहादीस से साबित है, और वो है कि ये साल के 12 महीनों में से जो 4 हुरमत वाले महीने हैं ना उनमें से एक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 4 हुरमत वाले महीने, कुरान पाक में सूरह तौबा में इसका जिक्र है, मिन्हा अरबातुन हुरम, साल के 12 महीनों में से 4 महीने हुरमत वाले एहतराम वाले हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सलासुम मुतवालियात, 3 महीने तो पै दर पे आते हैं, ज़िकाद ज़िलहज मुहर्रम, चौथा आपने कहा वर्रजब मुदर अल्लवी बैन जुमादा व शाबान, चौथा महीना है रजब का जो जुमादा सानी और शाबान के दरमियान में आता है, क्योंकि अरब जो है ना इसकी तरतीब बदल दिया करते थे इसलिए इसका नाम ही रजब है। खैर रजब के महीने की सिर्फ ये फजीलत है, ये हुरमत वाले महीनों में से एक महीना है, बाकी इसकी कोई इबादत नहीं, कोई इसकी तस्बीह नहीं, कोई रातों की खास नमाज नहीं है। पहला जनाब जब जुमा हो, जुमे की रात उसके अंदर आप इतने नफल पढ़ें, हर नफल के अंदर सूरह फातिहा के बाद इतनी बार फला सूरत पढ़ें, कोई इसके सबूत नहीं, कोई इसका जवाज नहीं। पहले जो 3 दिन है यानी पहला जो जुमेरा जुमा हफ्ता बनता है उसके आप रोज़े रखें, आप ये काम वो करें वो काम करें, 15 तारीख आ जाए तो ये करें, इसकी 27 रजब आ जाए तो ये शब मेराज है, या और इस किस्म के कोई मामलात हैं आप इसमें ये इबादत करें, कोई चीज़ भी इनमें से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से साबित नहीं है। बस सिंपल ये है आपने इस महीने में अल्लाह के कुरान पर अमल करते हुए क्या करना है, फला तज़लिमु फीहिन्न अन्फुसकुम, बाकी 8 महीने भी हम लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म करने से बचना है, लेकिन अल्लाह ने कहा ये जो 4 महीने है ना ज़िकात ज़िलहज मुहर्रम और रजब, इनमें तो खास एहतमाम करना है कि तुमने अपने आप पर जुल्म नहीं करना। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों मोहतरम बुजुर्गों, जिस तरह वक्त का एतबार है, जगह का एतबार है ना, महीनों का भी एतबार है। देखिए ना जगह है, मिसाल की अब हम आम जगह पर हैं, यहां पर गुनाह करेंगे ना तो संगीनी जरा कम है, ठीक है संगीनी कम है। मिसाल मैं यहां बैठ के अल्लाह माफ़ फरमा अल्लाह सबको बचाए, कोई बंदा झूठ बोल देता है संगीनी कम है, एक बंदा अगर जाके मस्जिद में झूठ बोले संगीनी बढ़ जाएगी ना, हो यार ये तो बड़ा गुनाह है, और अल्लाह मुआफ़ फरमाए अल्लाह मुआफ़ फरमाए, को बंदा जाके अल्लाह के घर बैतुल्लाह में जाके झूठ बोले तो जगह का कितना एतबार है। इसी तरह वक्त का भी एतबार होता है, आप आम दिनों में गुनाह करते हैं, आप रमजान में को गुनाह कर लेते हैं, बढ़ जाएगी ना संगीनी। आप इसी तरह से जो ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन है बड़े अल्लाह के कदर मंजिलत वाले दिन, उनमें आप करते हैं गुनाह,
बढ़ जाएगी। इधर चार महीनों में ये रजब, जीका, जिलहज, मुहर्रम, इन महीनों में गुनाह करेंगे तो अल्लाह ने कहा इसमें संगीनी बढ़ जाएगी, लिहाजा तुमने अल्लाह के एहतराम वाली चीज़ों की हुरमत को पामाल नहीं करना। बस सिंपल ये चीज़ है। इसके बाद शाबान का महीना, उसकी बड़ी फजीलत है, उसमें आप रोज़े रखें, अगर रोज़े आपके पिछले साल रमज़ान के रहते हैं उनकी कज़ा दे लें, ठीक है ना, तो इस बात की इजाज़त मौजूद है, रुख्सत मौजूद है। तो इन चीज़ों का इंशाल्लाह इहतमाम करें, कोशिश करें, सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के फजल से हमारी ज़िंदगी गुजरे, थोड़ा कर लें, मुस्तकिल मिजाजी से कर लें और बिल्कुल मुस्तनद अथेंटिक किस्म का काम करें ताकि अल्लाह के यहाँ हमारी नजात का कोई इंशाल्लाह सबब बन सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है, इदा अम्मन अल इमामु फअम्मिनु, जब इमाम साहब आमीन कहें तो तुम भी आमीन कहो। हाँ मैं वो अर्ज करने लगा हूँ ना जी, सहाबाए किराम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लम इतनी ऊंची आवाज़ में आमीन कहते थे कि कम अज़ कम पहली सब वाले लोग सुन लेते थे, फिर उसके बाद पूरी मस्जिद में गूंज पड़ जाती। मुक्तदियों ने तो फिर मिलके कहना ना सबने आमीन, तो मस्जिद पूरी गूंज जाया करती थी। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल अरब ममालिक में, हत्ता के कूफा में जो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला की मस्जिद है ना, उस मस्जिद में आज भी बुलंद आवाज़ में आमीन कही जाती है। हम लोग ही बस ऐसे तकसीम हो गए हैं, ठीक है ना, और इन चीज़ों को हमने वो बड़ा मार्केट हराम मसला बना लिया ना जी। जी 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 कोई बात नहीं, आप जरा कदरे उससे कर लेना, यानी बहुत बुलंद ना करें आवाज़, ठीक है। तो उसमें ये होगा ना कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है कि फिर ये नहीं है कि आप लोग ही आमीन कहते हैं, हमारा ईमान है अल्लाह के नबी ने जो कह दिया वो बिल्कुल बरहक है। आपने फरमाया फरिश्ते भी साथ में आमीन कहते हैं, फमन वाफ़क़ तअमीनहु तअमीन अलमलाइका, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मुवाफ़क़त कर जाएगी ना अल्लाह उसके पहले वाले गुनाह मुआफ़ कर देगा। अगर आप आमीन नहीं कहते तो इसका मतलब है आप अपने लिए एक बहुत कीमती चांस जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं। उन्हें कहना चाहिए ना जी, तो कोई गल नहीं, ओदी सिरदर्दी है हूँ आप दी ना कोलो कुआना जी भी चलो जी आमीन कहो तुम तो फिर असं आखा नहीं बस कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जितनी अल्लाह जिसको तौफीक दे वो कर ले इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। वैसे तो अगर हम सोचे ना तो सच्ची बात है हर मामले में ही ना कुताहियों का मामला ज्यादा है और अच्छाइयों का मामला बहुत कम हो गया है, ठीक है ना जी। आप देख ले कि हमारे माशरे में अल्लाह मुआफ़ फरमाए सच बोलने वाले और झूठ बोलने रेशो कितनी है, अमानतदार लोग कितने और ख़यानत करने वाले लोग कितने हैं, सब देखते जाए ना जी। तो हर चीज़ में आपको शैतान का पलड़ा भारी नज़र आएगा, तो ऐसे हालात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल करना है और हदीस में आता है वलौ कुंता वहदक, अगर आप अकेले भी कर रहे हैं ना तो काफ़ी हैं। आप दुनिया को ना देखें वो क्या कर रही है, दुनिया नहीं, हमने सिर्फ देखना कि हमारे रब का फरमान क्या है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। मैं कहता हूँ बस इस एक हदीस को जहन में बिठा लेना तो बात बहुत काफ़ी है। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दो चीज़ों से ना यहूदी जितना हसद करते हैं ना किसी और चीज़ से नहीं करते, एक ये तुम्हारा सलाम करना एक दूसरे को जब मिलना है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना, अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा तुम्हारा आमीन कहना नमाज में, यहूदी इससे बहुत जलते हैं। तो देख लो उस वक्त के यहूदियों का हाल, तो आज भी देखिए हरमैन शरीफैन के खिलाफ कितनी साजिशें हैं और क्यों है, उसकी वजूहात में से एक वजह यह नजर आती है वहां से आमीन की आवाज बुलंद होती है और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लम की बात उसमें कभी भी गलती नहीं हो सकती, सोचा भी नहीं जा सकता अल्लाह के फजल से। तो यह चीज है, तो मुसलमानों को इस हवाले से गौर करना चाहिए और अमल करना चाहिए। एक सवाल है कि ज़ुहर की नमाज के बाद दो सुन्नतें तो हैं, चार सुन्नतों की भी कोई रवायत है, और दूसरा इससे मिलता जुलता सवाल है कि ईशा के बाद चार नवाफल या चार रकत पढ़ने से कोई अजर व सवाब की कोई फजीलत हदीस में मौजूद है? देखिए पांच नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं, फजर, जोहर, असर, मगरब, ईशा, और उनके फर्ज भी बता दिए गए हैं। फजर के दो फर्ज हैं, जोहर के चार फर्ज हैं, और असर के चार फर्ज हैं, मगरब के तीन फर्ज हैं, और ईशा के
चार फ़र्ज़ हैं। ये नमाज मुकम्मल होगी फ़र्ज़ों के लिहाज से। अब रह गई सुन्नतें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी में भी, जामे तिर्मिज़ी वगैरह में भी, कि जो बंदा इन फ़र्ज़ों के अलावा रोज़ाना 12 सुन्नतें अदा करता है, 12 सुन्नतें, फिर उसकी तफसील आ गई जामे तिर्मिज़ी में, 2 सुन्नतें फजर के साथ फ़र्ज़ों से पहले, 6 सुन्नतें जोहर के साथ, 4 सुन्नतें फ़र्ज़ों से पहले और 2 फ़र्ज़ों के बाद, 2 सुन्नतें मगरब के साथ उसके फ़र्ज़ों के बाद, और 2 सुन्नतें ईशा के बाद, ईशा के फ़र्ज़ों के बाद, ये टोटल हो गई 12। तो जो बंदा इसका अहतमाम करता है ना, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में उसका महल बना देता है। अब डेली अपना महल अल्लाह की जन्नत में बनवा सकते हैं। आपको लंबी चौड़ी नमाज नहीं, फ़र्ज़ों के साथ ये 12 रकअतें पढ़नी है, ठीक है ना जी। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा हमारी माँ हैं, वो कहती हैं जब से मैंने ये हदीस सुनी है ना, कहती हैं मैंने कभी भी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। आगे उनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्दों के शागिर्द, वो भी यही कहते हैं, आज हमने भी सुन ली है तो इंशाल्लाह हम भी आज से अहतमाम शुरू कर दें। पहले से कर रहे हैं तो अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह कबूल फरमाए। अगर कोताही हो रही है तो आज से इसकी रूटीन बना लें। अब इनमें से ये जानिए, फजर की जो सुन्नतें हैं ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी। फर्ज आप सफर में, आप अजहर में, आपने उनको पढ़ा ही पढ़ा है, लेकिन बाकी वो आपने छोड़ दिए हैं सफर में, फर्ज अल्लाह ने कम कर दिए। जोहर मगरब इशा की सुन्नतें आपने सफर में नहीं पढ़ी, वितर भी कभी नहीं छोड़ा, और कहा है अल्लाह वितर है, वितर को पसंद करता है, बल्कि ये वितर जो है ना, ये आखिरी नमाज है रात की तहज्जुद के साथ। लेकिन देख लो, उम्मत की आसानी के लिए कहा गया है कि चलो ईशा के साथ ही पढ़ लो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला उमूमन पढ़ने पढ़ाने के कामों में मसरूफ रहते थे ना, तो आपने इनको कहा था, अबू हुरैरा आप वितर पढ़ के सोया करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये है नमाज की तरतीब। अब इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं ना, मसलन नफल नवाफिल आ जाते हैं, सुन्नतें आ जाती हैं, जैसा कि अब भाई ने सवाल किया है कि जोहर के फर्जों के बाद 4 सुन्नतें, आप 2 पढ़ लें, आप 4 पढ़ लें, पढ़ सकते हैं, फराइज के अंदर इजाफा नहीं हो सकता, सुन्नत नवाफिल, लेकिन उनको आप साथ नहीं जोड़ सकते। जो साथ जुड़ने वाली है ना, वो ये 12 ही हैं, साथ जुड़ने वाली 12 है। अब वैसे पढ़ लेते हैं 2 नफल, या आपकी पहले 2 रखते पढ़ पाए, 4 नहीं पढ़ पाए, तो उनको बाद में 2 और 2 करके 4 पढ़ लें, बाद में पूरा कर लें, ठीक है ना। ये चीज। उसके अलावा बाज दीगर नफल नवाफिल, उनकी अलग से अहमियत है। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमा जो असर के फर्जों से पहले 4 रखते पढ़ता है, रहमत की दुआ की आपने उसके लिए। मगरब से पहले सहाबाए किराम मस्जिद में आ जाते तो कहते, हम लोग आते ना जब मस्जिद में एंटर होते तो हर शख्स ही किसी ना किसी सुतरे के पिलर के पीछे नमाज पढ़ रहा है, और हम समझ रहे होते, नया आने वाला बंदा समझ रहा होता कि शायद नमाज हो चुकी है। इतनी कसरत से सहाबाए किराम मगरब के फर्जों से पहले ये 2 सुन्नतें पढ़ा करते थे। तो ये देखिए ना, ईशा के बाद वाला सवाल है कि ईशा के बाद 4, हाँ उसका जिक्र है अहदीस में, सही अहदीस में, कि अगर आप 4 रकतें एक सलाम के साथ पढ़ लेते हैं, 4 रकतें ईशा के बाद आपने सुन्नतें पढ़ ली हैं, इवन के वितर भी पढ़ लिया है, या वितर भी नहीं पढ़ा उससे पहले 4 रकतें पढ़नी है, लेकिन इकट्ठी पढ़नी है, 2 रकतें पढ़ के तैयार बैठना है, तैयार मुकम्मल करके फिर आपने उठ के खड़े हो जाना है, फिर 2 रकतें पढ़नी है, और आखिरी 4थी रकत में जाके आपने सलाम फेरना है। अल्लाह के नबी सल्लम घर में भी पढ़ लिया करते थे, मस्जिद में भी कभी, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके हवाले से बताया है कि जो बंदा ये पढ़ लेता है ना, अल्लाह सुबहानहू व ताला उसको लैलतुल कदर की इबादत का सवाब अता कर देता है। बैठे बैठे ही आप हर रात लैलतुल कदर की, रात में की जाने वाली इबादत का सवाब ले सकते हैं। रमजान में तो आपने ढूंढनी है ना आखिरी ताक रातों में, और यहां पर 100% कन्फर्म है कि आपने अगर ये 4 रखते हैं इहतमाम इनका किया ना, तो आपको लैलतुल कदर में की जाने वाली इबादत का अल्लाह सवाब देगा। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। चार रखतों वाली नमाज कोई भी है, सुन्नतें नफल हैं फर्ज हैं, तो उनमें जो तिलावत का मामला है ना, वो ये है कि आप 4 में भी पढ़ सकते हैं, फर्ज में भी। फर्जों का ही जिक्र है ना हदीस में, नबी अकरम सल्लम जोहर की नमाज पढ़ाई तो उसमें आपने पहली 2 रकतों में लंबी तिलावत फरमाई और दूसरी 2 रकतों में उनसे आधी तिलावत कर ली,
مثال کے طور پر پہلی دو رکعتوں میں آپ نے کہہ لے کہ بیس بیس آیات پڑھ لی، بیس آیت پہلی میں، بیس آیات دوسری میں، اب جب دوسری دو رکعتیں پڑھی نا تو ان میں دس دس آیتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی پھر اس کے بعد عصر میں، عصر میں کیا کیا؟ جو پہلے والی دو رکعتیں تھیں نا ان میں ظہر کی بعد والی دو رکعتوں کے برابر تلاوت کی، یعنی دس دس آیات، ٹھیک ہے نا؟ اور اگلی جو تھی اس میں آپ نے اس سے آدھی کر دی، یعنی پانچ پانچ آیات۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاروں رکعتوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی دو رکعتوں میں پڑھی ہے، امام صاحب نے اونچی آواز میں آپ نے سنا اس کو، سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو گئے اور سنی، تیسری رکعت میں آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لی، امام نے بھی پڑھ لی۔ عشاء کی نماز میں بھی ایسے ہی، پہلی دو رکعتوں میں امام نے اونچی آواز میں تلاوت کی ہے، دوسری دو رکعتوں میں سب سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمیں دلیل مل گئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والی دو رکعتوں میں بھی تلاوت فرمائی ہے۔ جماعت جو فرائض ہیں ان کی آخری دو رکعتوں میں یا آخری ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور آیات ملانی چاہیے؟ ملا سکتے ہیں جی، وہی میں نے عرض کیا ہے، ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں گنجائش ہے، آپ ملا لیتے ہیں، مثلا امام صاحب لمبا قیام کر رہے ہیں، آپ نے جلدی پڑھ لیا ہے تو آپ پڑھ لیں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی صورت، خاموش رہنے سے تو بہتر ہے نا کہ آپ پڑھ لیں، یہ اللہ یہ کہ امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے تو آپ نے پھر تو اس کو سننا ہے نا، لیکن جس وقت امام صاحب بھی خاموش ہیں اور آپ بھی پڑھ کے فارغ کھڑے ہیں، نہیں، آپ کو صورت پڑھ لیں، مثلا یہ الگ بات ہے کہ صورت پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی اور اس سے پہلے امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہے بات ایسی، یہ بات نہیں، بعض امام میرے جیسے جلد باز بھی تو ہوتے ہیں نا جی جی جی، تو اس لیے اس میں نا یہ تلقین ہے بڑے تحمل کے ساتھ، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ امام جو ہوتا ہے نا، امام ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے، آپ نے کہا المؤذن مؤتمن، مؤذن جو ہوتا ہے نا وہ امانت دار ہوتا ہے، اس نے وقت پہ اذان دینی ہے، وقت پہ اقامت کرنی ہے، اور کہا اللہم ارشد الائمہ، اللہ کی اے اللہ جو امام ہوتے ہیں نا ان کی تو نے رہنمائی کرنی ہے، تو امام ان کو بڑا تحمل کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ سارے مقتدیوں کا خیال رکھ کے پھر چلنا پڑتا ہے۔ ایک سوال ہے جی کہ حافظے کی بہتری کے لیے کوئی وظیفہ تجویز کر رہے ہیں اسپیشل حفاظ اکرام کے لیے؟ جیسے اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن واضح نہیں، کلیئر نہیں ہے، چلیں، حافظے کے لیے بہترین دعا تو وہی ہے جو سورۃ طہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، اور وہ ہے اللہ نے کہا میرے نبی کہا کریں رب زدنی علما، رب زدنی علما، بڑی مشہور و معروف دعا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعض ائمہ کے بارے میں ملتا ہے، امام شافعی وغیرہ کے بارے میں، کہ ان سے جب یا ان کے استاد سے جب شکایت کی گئی کہ جناب میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو انہوں نے ایک ہی نصیحت فرمائی تھی کہ آپ جو ہے نا گناہوں کو ترک کر دو۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں حافظہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں نا، گناہ زیادہ ہوں گے تو حافظہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس لیے حافظے کو قابو میں رکھنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے بچے اگر معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو اس قسم کی شکایات ہیں تو ماں باپ کا بھی تو اثر پڑتا ہی ہے نا، ماں باپ سوچیں کہ ہم سے کون سی خطا ہو رہی ہے، تو اس خطا کو، اس گناہ کو پہلے چھوڑا جائے اور ساتھ پھر یہ دعائیں کی جائیں، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا کرم کرے گا۔